गाजा इसराइल जंग और तेज हुई, एश्कलोन में मिसाइल हमला हुआ, रिहायशी इलाके में लगी आग, पूरे शहर में गूंज रही सायरन की आवाज। गाजा बॉर्डर पर हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण जंग जारी, दोनों तरफ से सैकड़ों रॉकेट और मोर्टार दागे गए, रिहायशी इमारतों को भी टारगेट किया गया। दक्षिणी लेबनान से इसराइल पर हमले जारी, हिजबुल्ला ने सैकड़ों रॉकेट दागे, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, इसराइली सेना ने पलटवार किया। गाजा पट्टी पर इजरायली वायुसेना का बड़ा हमला, हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी, कई सैन्य चौकियों को तबाह किया। इजरायली वायुसेना ने हमले का वीडियो जारी किया, गाजा पट्टी में हमास की इमारत पर किया था हमला, वायुसेना के हमले में धराशायी हो गई थी दोनों इमारतें। लेबनान इजरायल बॉर्डर पर हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच भीषण जंग जारी, लेबनान से माउंट टोफ की ओर मोर्टार दागे गए, आईडीएफ ने आर्टिलरी फायरिंग की। इसराइल के पश्चिमी गलील इलाके में फायरिंग, लेबनान की ओर से दागी गई एंटी टैंक मिसाइल, इजरायली सेना ने भी पलटवार किया। यरूशलम के शुआफात शरणार्थी कैंप के पास फिलिस्तीन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, पेट्रोल बम भी फेंके गए। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान में जोरदार हमला हुआ, इजरायली सेना ने कई गांव को निशाना बनाया, हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने हमास के टॉप कमांडर को मार गिराया, आईडीएफ की कार्रवाई में हमास का सीनियर इंजीनियर महमूद जवी मारा गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हमास समर्थकों और जर्मन पुलिस में झड़प हो गई, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। लेबनान बॉर्डर के पास हिजबुल्ला का इजरायली सेना पर हमला हुआ, एंटी टैंक मिसाइल से निशाना साधा गया, हमले में कई सैन्य वाहन तबाह हो गए। गाजा में कभी भी शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, डेल्टा फोर्स इसराइल में मौजूद, बंधकों की रिहाई के लिए आईडीएफ के साथ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल होगी डेल्टा फोर्स। बाइडेन ने तेल अफीव में डेल्टा फोर्स से एक मुलाकात की, कमांडो की तस्वीर भी जारी की, गलती का एहसास होने पर व्हाइट हाउस ने मांगी माफी। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला और आईडीएफ के बीच भीषण जंग, आमने सामने की जंग में लगातार दागे जा रहे रॉकेट और मोर्टार, कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर। गाजा में अलकुद्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मुराद का दावा, आईडीएफ ने हमें अस्पताल खाली करने को कहा, अस्पताल नहीं खाली करने पर अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। लेबनान के विदेश मंत्री के इसराइल को बड़ी धमकी, कहा हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन आगे के हालात गाजा तय करेगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ की इसराइल से अपील, गाजा में जमीनी कार्रवाई स्थगित रखे, यूरोपीय संघ ने कहा बंधकों की रिहाई के लिए हमास से चल रही है बात। यूरोपीय संघ के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक की, बंधकों की रिहाई को लेकर बात हुई, कतर कर रहा है बातचीत की अध्यक्षता। बंधकों की रिहाई के लिए इसराइल ने रूस से मांगी मदद, रूस ने रिहाई के लिए हमास से शुरू की बातचीत, हमास के कब्जे में है 203 इसराइली नागरिक। कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने दो अमेरिकी बंधकों को रिहा किया, अमेरिकी महिला और उसकी बेटी को रेडक्रॉस को सौंपा गया, बाइडेन ने दोनों से बात की। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन का बड़ा बयान, कहा हमास और रूस में कोई अंतर नहीं, दोनों का मकसद एक है, दोनों एक दूसरे को मिटाना चाहते हैं। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च हमले को लेकर इसराइल पर भड़के ईरानी विदेश मंत्री अब्दुल्लाहयान ने कार्रवाई को बताया आईसिस से भी बर्बर। अमेरिका का इसराइल को आर्थिक मदद का ऐलान, इसराइल को 14.3 बिलियन डॉलर की मदद देगा अमेरिका, मदद में सैन्य मदद भी शामिल है। लेबनान और इसराइल के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है, कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कहा, यूएस, यूके, जर्मनी, रूस, बेल्जियम ने जारी की एडवाइजरी।